हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रश्मि और आप देख रहे हैं लॉपुत्र चैनल। आज की इस वीडियो में हम आईपीसी के टॉपिक जो कि डील करता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से डील करने वाले हैं। ये टॉपिक है तो छोटा सा, लेकिन जनरली एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। या तो शॉर्ट नोट्स में इनका मीनिंग पूछ लिया जाता है या लॉन्ग में इनका डिफरेंस भी आ जाता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दो सिमिलर सी टर्म्स हैं, बट इनमें काफ़ी डिफरेंस है, इनके प्रोविजन में भी, इनकी पनिशमेंट में भी, इनके मीनिंग में भी। तो आइए इसको लॉ के परव्यू से समझते हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट डिफाइंड है सेक्शन 339 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, जो कि बोलता है Whoever voluntarily obstructs any person, यहाँ वर्ड यूज है obstructs, obstruction जो है वो lawful भी हो सकता है, unlawful भी हो सकता है। यानी कि lawful obstruction कब होता है, मान लीजिए आप किसी exhibition में जाते हैं या आप किसी monument घूमने जाते हैं और वहाँ barricades लगे होते हैं कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। अगर आप वहाँ जाने लगते हैं और आपको कोई पुलिस वाला वहाँ जाने से रोक देता है, तो इसे कहते हैं lawful obstruction। और ये obstruction कब unlawful बन के offense बन जाता है, आइए पढ़ते हैं। When whoever voluntarily obstructs any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed, इसका मतलब है जब कोई person किसी other person को जानबूझ के obstruct करता है किसी particular direction में जाने से जहाँ उस person का legal right है जाने का, इसे कहते हैं उसको wrongfully restrain करना। इसको simple example से समझे तो मान लीजिए ये एक classroom है और इसके दो दरवाजे हैं। अगर आप लोगों की क्लास ओवर होती है और मैं इस दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ यहाँ से कोई नहीं जाएगा, लेकिन वो वाला दरवाज़ा खुला है, लेकिन इस पर्टिकुलर दरवाजे पे आने के लिए मैंने आपकी पर्सनल लिबर्टी को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, इसे कहेंगे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करना। इसका एक एक्सेप्शन भी है जो कि कहता है अगर ऑब्स्ट्रक्शन किसी प्राइवेट वे का हुआ है ओवर लैंड और वाटर, जिस पर्सन ने उसको किया है He believes in good faith कि उसका ये lawful right था करना, तो ये as an offence under section 339 charge नहीं होगा। इसकी punishment दी हुई है section 341 में, जो कि कहती है जो भी इंसान wrongfully restraint commit करता है उसे या तो 1 month तक की punishment या फिर 500 रुपये तक का fine या फिर दोनों हो सकते हैं। इम्प्रिजनमेंट जो इस केस में मिलती है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहता है हुएवर रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट्स एनी पर्सन इन सच अ मैनर एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग्स बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स इज सेड रॉन्गफुली टू कन्फाइन दैट पर्सन। इसका मतलब है कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आप तभी कर सकती है जब वहाँ पर कोई सर्टेन लिमिट्स हो। यानी कि रिस्ट्रेंट तो मैं आपको एक बहुत बड़े खुले मैदान में भी कर सकती हूँ कि अब आप इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, मैंने आपको रिस्ट्रेन कर दिया, लेकिन कन्फाइनमेंट के लिए कुछ लिमिट्स होनी चाहिए जिनके अंदर मैंने आपको रोक दिया है आपकी पर्सनल लिबर्टी को, मैंने एब्सोल्यूट तरीके से रोक दिया है, अब आप इस लिमिट के बाहर कहीं नहीं जा सकते। जैसे कि उसी क्लासरूम वाले एग्जाम्पल में अगर मैंने ये वाला डोर भी बंद कर दिया, ये वाला डोर भी बंद कर दिया और बाहर चली गई, आपको अंदर बंद कर दिया, तो आपकी लिबर्टी को उस क्लासरूम के अंदर सीमित कर दिया मैंने, इसे कहेंगे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब हम इसके इसकी पनिशमेंट को पढ़ते हैं जो कि दी हुई है सेक्शन 342 में। सेक्शन 342 कहता है इसमें आपको इम्प्रिजनमेंट, अगर आप रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कमिट करते हैं तो 1 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या फिर 1,000 तक का फाइन या दोनों चार्ज किए जा सकते हैं। अब हम इसके डिफरेंस को शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके नेचर के बेसिस पे। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट पार्शियल रिस्ट्रेंट होता है किसी की पर्सनल लिबर्टी का, जबकि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट होता है किसी की पर्सनल लिबर्टी का।
wrongful restraint is partial restraint of the personal liberty of a person, while wrongful confinement is absolute or total restraint or obstruction of personal liberty. अगला difference है scope के basis पे. wrongful confinement जब भी आप किसी का करते हैं तो उसका automatically wrongful restraint हो जाता है, but vice versa is not true. यानी कि अगर मैंने आपको इस classroom के अंदर बंद कर दिया तो obviously आपको एक particular direction में जाने से भी रोक दिया है, लेकिन जब आपको किसी particular direction में जाने से रोका और दूसरा रास्ता खुला है तो वो wrongful confinement नहीं होगा. boundary, बाउंड्री होना रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में नेसेसरी है, जबकि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में ऐसा होना नेसेसरी नहीं है. डायरेक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपकी आपकी मूवमेंट को सारे डायरेक्शंस में रोक लिया जाता है, बल्कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में आपके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को मूव करने से रोका जाता है. ग्रीवियस, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ज़्यादा ग्रीवियस होता है एज़ कम्पेयर टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू.